दोस्तों इंडस्ट्रियल हेल्थ में आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है कॉरपोरेट लाइफ में वर्क और लाइफ को बैलेंस करना। हाल ही में प्रसून नामक सर्वेयर ने कॉरपोरेट हेल्थ के बारे में बताया है कि 89% इंडियन कॉरपोरेट के काम करने वाले लोग स्ट्रेस में हैं। कहना नहीं होगा कि हर 10 में से 9 व्यक्ति तनाव में हैं। आप और हम सब जानते हैं तनावग्रस्त व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, डिफेक्टिव होती है, एब्सेंटिज्म ज़्यादा होता है। तो इस समस्या का एक ही उपचार है, जॉयफुल वर्किंग। काम करते हुए आनंद कमाना, ये ऊँट की सवारी जैसे ही है। पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी भी है। तो हमने बहुत सारी कंपनीज में कॉरपोरेट प्रोग्राम के दौरान कुछ कंपनियां जैसे हीरो नीम राणा जैसी कंपनी ने तो अपना स्लोगन ही बना रखा है, वी मैन्युफैक्चर हैप्पीनेस। पिस्टन जैसी कंपनियां खुद भी अपने यहाँ एवरी मंथ हैप्पीनेस प्रोग्राम करवाती हैं। तो हम क्या सिखाते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम्स में? हम लोगों से कहते हैं खुश कर्मचारी गुड प्रोडक्शन, हैप्पी कर्मचारी लेस एब्सेंटिज्म, जॉयफुल कर्मचारी लेस सिकनेस, कम बीमारी, कम बीमारियों का दवा खर्च। तो क्यों ना कंपनी इन्वेस्ट करें खुशी पर। चार तरीके सिंपल से डिस्कस करते हैं जिससे आपके एम्प्लॉय रहेंगे खुश। नंबर वन, स्माइल, मुस्कान बिखेरिए। सीनियर लोग भी जूनियर लोग भी अगर केवल एक दूसरे को स्माइल पास ऑन करते रहें, यहाँ तक कि मैं और आप अनजान लोगों पर भी स्माइल करते रहें, खुशी चौगुनी हो जाएगी। नंबर टू, स्मूथ वर्किंग। काम करने से 4 घंटे पहले 5 मिनट सोच लीजिए, व्हाट इज माय वे। काम के बारे में थका देने वाली बोरियत वाले विचारों के बजाय ये सोचें हैप्पीनेस इज ऑन द वे। तीसरा तरीका है डू सेट ए गोल। आज का काम इतना ही, आज का टारगेट इतना ही, रोज एक पन्ना पलटते पलटते पूरी किताब हो जाती है। इसलिए पूरे वर्ष के प्लान के बजाय 1 पेज 1 डे, यानी आज का गोल आज ही। चौथा फॉर्मूला, स्लीप, नॉर्मल रेस्ट, प्यारी नींद उतनी ही जरूरी है जितना श्रम। तो अच्छा श्रम करने पर ही अच्छा विश्राम होता है। कॉरपोरेट हैप्पीनेस के लिए आज इतना ही। थैंक यू।